हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऐप टू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। सो हेलो फ्रेंड, यहाँ पे हम अपने फोन पे है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्नैपचैट पर किसी को भी ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको ये नहीं पता है कि स्नैपचैट पर किसी को कैसे ब्लॉक करते हैं तो यहाँ पे आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सारा प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा, इसलिए यहाँ पे आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको स्नैपचैट पे क्लिक करना है। स्नैपचैट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में मैसेज आइकॉन पे क्लिक करना है। मैसेज आइकॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको किसी भी एक फ्रेंड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है या किसी भी रैंडम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल मैं अपने किसी एक फ्रेंड पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसके प्रोफाइल आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर में 3 डॉट पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको मैनेज फ्रेंडशिप पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे इसे ब्लॉक करना है। इसके लिए यहाँ पे आपको ऊपर में ही एक ऑप्शन दिखाई देगा ब्लॉक का। तो चलिए यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे इसे कन्फर्म करते हैं। कन्फर्म करने के बाद यहाँ से ये ब्लॉक हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल आइकॉन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे आ जाना है। कहाँ आना है? सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा ब्लॉकेड का। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने जिसे भी ब्लॉक किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं। और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए।